बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आज हम उसमें बात करेंगे केमिकल बॉन्ड और उसमें से केमिकल बॉन्ड की टाइप्स और आयनिक बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब आप केमिस्ट्री की बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो अल्लाह से भी अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अल्लाह से जब आप कनेक्ट होते हैं तो देर इज़ लाइन इज़ नेवर बिजी, ऑलवेज आंसर्ड, नो हैंग अप, नो हार्ट ब्रेक, आपका दिल भी नहीं टूटता, हमेशा जवाब मिलता है, कभी लाइन बिजी नहीं मिलती। तो अल्लाह से कनेक्ट होने का बेहतरीन तरीका है उसकी भेजी हुई किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ना। अल्लाह ताला ने खुद कुरान शरीफ में फरमाया, ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने तुम्हारी नाजिल की है, ताकि ये लोग उसकी आयात पर गौर करें और अक्लो फिक्र रखने वाले उससे सबक लें। तो अल्लाह की किताब को तर्जुमे से पढ़ें, अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएँ मांगें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें। तो केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, जो एटम्स को एक मादे में इकट्ठा रखती है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर। इससे पता चला कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान कुछ एक फोर्स होती है जो एटम्स को इकट्ठा रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि हम पानी पीते हैं तो पानी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी, लेकिन जब दोनों मिलती हैं तो उससे पानी बनता है H2O। अब एक ऑक्टेट रूल है कि आउटर शेल शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल ऑफ एटम शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। द एटम्स व्हेन कंबाइन आर रिएक्ट दे अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, वो नोबल गैस की तरतीब हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम विच हैव ओनली एस सब शेल दिस बिकम्स ड्यूप्लेट रूल। हाइड्रोजन और हीलियम के क्योंकि दो दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको ड्यूप्लेट रूल कहते हैं। इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस, अगर आयंस के दरमियान बॉन्ड बनता है तो इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो आयंस के दरमियान एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, कशिश रखती है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। रिमेंबर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट रिंग, जो सबसे आउटर मोस्ट रिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वेलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। विच आर इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग आटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यही वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में अमल पजीर होते हैं और यहाँ पे उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो देर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। आज हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर कि आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम मेटल टू अदर एटम नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एक धाती एटम से इलेक्ट्रॉन नॉन धाती एटम की तरफ ट्रांसफ़र होता है, मुंतकिल होता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से एटम केटायन में तब्दील हो जाता है और जो उसको एक्सेप्ट करता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को उसको एनायन कहते हैं। सो न्यूट्रल एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव पॉजिटिव चार्ज केटायन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनायन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट की एग्जांपल है, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और जिससे सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनता है। ये एक आयनिक बॉन्ड है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू क्लोराइड, इसमें
इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई है। व्हाई डू एटम्स बॉन्ड टुगेदर, एटम्स क्यों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी इस्तेहकाम हासिल करते हैं, टू कंप्लीट ऑक्टेट उनके 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में पूरे हो जाते हैं, इससे नए मॉलिक्यूल बनते हैं, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस की तरतीब हासिल होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं उनमें एक आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टेलियन सॉलिड्स, क्रिस्टल शेप्स होती हैं इनकी, और ये ठोस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। एस आयनिक कंपाउंड्स आर मेड ऑफ चार्ज आयंस, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इफ द आयंस कैन मूव, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन जब उनके आयंस मूव कर सकें, सो दे आर गुड कंडक्टर्स व्हेन इन मेल्टिंग कंडीशन आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। आप ये देख रहे हैं तीन बीकर्स हैं, एक में वाटर है, वाटर इज ऑल्सो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप सॉलिड आयनिक कंपाउंड डालेंगे तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप आयनिक कंपाउंड को वाटर में सॉल्व करेंगे तो उसके आयंस मूव कर सकेंगे, सो सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयनिक कंपाउंड जब वाटर में हल करते हैं तो दे आर गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है इनको मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए। दे आर ईजीली डिजॉल्व इन वाटर, जब आप इनको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनाइंस और नेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स केटाइंस। तो ये तो इन समरी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टेलियन सॉलिड्स, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, एक्सीलेंट कंडक्टर्स इन मोल्टन एंड एक्वस, एंड दे आर जनरली सॉलेबल इन वाटर। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।